मध्य प्रदेश में 7 मई को होने वाले मतदान के अंतिम समय में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों के नेता और प्रत्याशी जनसंपर्क में जमकर ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। ऐसा ही कुछ देखने को मिला जब पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने गुरुवार को मुरैना लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी शिवमंगल सिंह तोमर के समर्थन में कई जनसभाओं को संबोधित किया। विधानसभा अध्यक्ष श्री तोमर ने अमीडेला, बरबाई, बसई, रूअर, रछेड़, लुधावली, पिपरई, पाली, परीछतपुरा और हिंगावली के लोगों के बीच पहुंचकर जनसभाओं को संबोधित किया, जिसके बाद अम्बाह में व्यापारी वर्ग की बैठक में शामिल हुए। इस अवसर पर उनके साथ बसपा छोड़कर आए भाजपा में शामिल हुए बलवीर दंडोतिया सहित भाजपा के नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। अम्बाह स्थित ग्रामीण क्षेत्र लोगों ने विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर का गर्मजोशी से पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया। जनसभा को संबोधित करते हुए नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि इस देश में बड़ी संख्या में हिंदू निवास करते हैं, लेकिन जब कांग्रेस की सरकार थी तब हिंदुइज्म को बहुत परेशान किया गया। जब राम मंदिर बनना शुरू हुआ तब कांग्रेस पार्टी ने राम मंदिर बनाने का विरोध किया। कांग्रेस के लोगों ने रामेश्वरम के राम सेतु को तोड़ने का प्रयास किया। राम जी के बारे में कांग्रेस ने कहा कि राम तो काल्पनिक है, राम का अयोध्या में जन्म ही नहीं हुआ। कांग्रेस ने कोर्ट में एफिडेविट देकर इस अयोध्या केस को उलझाने की कोशिश भी की। गांव की कहावत है ना कि 12 साल बाद घूरे के भी दिन फिरते हैं। अब हिंदुस्तान के दिन फिर गए, अब कांग्रेस कहीं लग नहीं रही। अब नरेंद्र मोदी जी का राज है और वो वही करेंगे जिससे देश आगे बढ़ेगा और धर्म मजबूत होगा। ये चुनाव पार्टियों के बीच में नहीं है और प्रत्याशियों के बीच में भी नहीं है, ये चुनाव लोकसभा का धर्म और अधर्म के बीच में है। धर्म का मतलब मानवीय मूल्य भी है और धर्म का मतलब हिंदू धर्म भी है। हम भारतवर्ष के नागरिक हैं और यह देश हिंदुओं का है और इस देश में बड़ी संख्या में हिंदू निवास करते हैं, लेकिन जब कांग्रेस की सरकारें थी तो हिंदुइज्म को बहुत परेशान किया गया। राम मंदिर का ही एक उदाहरण ले लें हम तो कांग्रेस पार्टी के लोगों ने राम मंदिर बनाने का विरोध किया। कांग्रेस के लोग सेतु बंद रामेश्वरम, जो रामेश्वरम में सेतु बांधा भगवान ने लंका पर चढ़ाई करने के लिए, उसको भी तोड़ने का प्रयास किया। और राम मंदिर के बारे में तो उन्होंने यहां तक कहा कि राम तो काल्पनिक है, राम का अयोध्या जी में कोई जन्म बंद नहीं हुआ। ये भाजपा वाले वैसी ही बातें करते हैं और कोर्ट में एफिडेविट देकर भी इस केस को उलझाने की कोशिश की गई। लेकिन आप सब जानते हो, एक गांव की कहावत है ना कि 12 साल बाद घूरे के दिन भी फिरते हैं। अब हिंदुस्तान के दिन फिर गए, अब कांग्रेस वांग्रेस कहीं लग नहीं रही। अब नरेंद्र मोदी जी का राज है और नरेंद्र मोदी जी वही करेंगे जिससे देश आगे बढ़ेगा और धर्म मजबूत होगा। आज अम्बा विधानसभा क्षेत्र में हम शिवमंगल सिंह के लिए प्रचार करने निकले थे, आज अभूतपूर्व समर्थन प्राप्त हुआ है और इस क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी लाखों मतों से विजयी होगी। मध्य प्रदेश में क्या स्थिति रहेगी बीजेपी की? मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पिछले बार 28 जीती थी, इस बार 29 जीतेगी। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी कुछ भी कर ले लेकिन 400 पार नहीं कर पाएगी, क्या कहना है? कांग्रेस सिर्फ आरोप ही लगा सकती है, इसके अलावा उसके पास कुछ करने को है नहीं। और भी रोचक खबरें देखने के लिए YouTube पर MP Today Network को सब्सक्राइब करें, खबर को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको रोज नई खबरें देखने को मिलेंगी।